देखो मैं तो मोनालिसा से ये कहूंगा, मेरी दोस्त भी रह चुकी है और हम लोग साथ में काम भी किए हुए, मैं ये कहूंगा कि उसको ये किया उसने पता नहीं क्यों किया, क्योंकि क्या है कोई भी चीज मजाक नहीं लेनी चाहिए, उसका सीरियस रिश्ता है। मैं उसके लिए दुआएं करता हूं कि अल्लाह उसको उसके जोड़े को सलामत रखे और वो खुश रहे जिंदगी में। लेकिन साथ साथ में नहीं रहने देंगे? नहीं, अंदर तो चला गया वो, तो अब शादी हो गई, अब वो गया, उसको तो दूसरे सुबह में निकाल दिया ना, उसको सुहागरात हो गई, उसके बाद बिग बॉस ने उसको बोला आप जाइए और अच्छे से सबसे मिलके चला गया। अब तो फिनाले है, एक दिन तो मतलब अब तो हो गया। का एक ऐसा सोल्जर हूँ जिसने हिंदुस्तान को अपने कंधे पे रख के सिर्फ हंसाया है। लेकिन आपने कुछ तैयारियां कर रखी बिग बॉस बाबा के लिए? कुछ खास सुनने में आ रहा है, रोज पेपरों में आ रहा है? नहीं, मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूँ यार, मैं क्योंकि मैं फिर वादा किया है बाबा सामने आएगा, फिर मैं उसे लाफा मार दूंगा, फिर सलमान भाई बोलेंगे तूने क्यों मारा, क्योंकि भाई तो एकदम अगेंस्ट है ना, अहिंसा है, मतलब वो अभी अभी एकदम अहिंसा पे आ गए। अब यार मैं उनका फैन हूँ, उनसे मतलब उन्हीं से बिगड़ा हूँ और अब मैं सीधा हो जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला अब अहिंसा पे चलो, हिंसा नहीं करनी है। तो क्या हो गया? हाँ हाँ, यार कलाकार के लिए एक लड़की है उसको काफी, यार हिंदुस्तान को ये बता दो यार, हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है यार, इसमें ये छोटे दिल वाले लोग कहाँ से आ गए भाई, जो कश्मीर को मतलब ऐसा कर रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, कश्मीर हिंदुस्तान में ही है मेरे भाइयों, और वो लड़की हिंदुस्तानी है यार, वो सब कश्मीरी हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, कश्मीरियों से जिनको प्रॉब्लम है वो लोग बड़े नेगेटिव लोग है भाई। विक्रम भट्ट, महेश भट्ट की लड़की काम करती है तो उसके कोई नहीं बोलता है। हाँ, वो भी कश्मीरी है, वो भी कश्मीरी है, काम करती है, उसके लिए हाथ उठ भाई। महेश भट्ट भी कश्मीरी है, पूजा भट्ट कश्मीरी है, और भी बहुत सारे भट्ट कश्मीरी है यहाँ पे, क्या वो काम नहीं करते? और शाहरुख भाई की फिल्म में वो पाकिस्तानी लड़की भी है, तो वहां नहीं बोलोगे यार? क्या है यार, सब लोग करते, काम करने दो, कलाकार है उनको करने दो, कश्मीर से आए तो करने दो। मैंने बीच में पाकिस्तानियों के बारे में बोला था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, मैं इसलिए बोला था कि पाकिस्तान के टेररिस्ट आके हिंदुस्तान में मार देते हैं, हमारे फौजियों को मार देते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन कश्मीर से तो कोई टेररिस्ट आके हमारे यहाँ नहीं मारा किसी को, वो कश्मीर में अलग अलग आर्मी से वो लड़ रहे, वो उनकी प्रॉब्लम, टेररिस्ट भी बनाए जाते हैं, आर्मी उनको जवाब दे रही है। अभी हमको ये आम एनसीओ से, हमसे सिविलियन से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।